29 लाख। और सोच लीजिए, इससे पहले जब बैंकर ने कहा था उसके अगले ही राउंड में आपने 1 करोड़ और 60 लाख के बैग्स निकलवा दिए। ऐसा ना हो कि बैंकर की जबान इतनी मनहूस हो कि आप नो डील करके आगे बढ़े और 75 लाख निकल जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, काली जबान के लोग होते हैं। कभी मिले आपको जिंदगी में ऐसे लोग जिनकी जबान काली, मनहूस किस्म के लोग? नहीं मिले आपको? भी नहीं मिले? सर मिले। मिले कौन? क्योंकि हम तो दुनिया घूमते, हमारे को तो पता है। अरे वाह वाह वाह, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो भाई? पाकिस्तान में। कहाँ कहाँ घूमा है आपने बताएं? बहुत सी जगह है घूमी। कैसी कैसी बताएं? कराची तो पूरा ही घूमे मैं तकरीबन। और कराची के बाहर की दुनिया? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, मीरपुर, इधर उधर, यानी कि सब जगह जबरदस्त घूमे मैं। दुनिया आपकी काफी बड़ी है। बहुत बड़ी। तो कौन मिला बताएं, कोई ऐसा जो याद रह गया हो कि यार ये बड़ा ही कोई मनुष्य इंसान, इससे दूर रहना है? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई, देखो हर इंसान को जो अल्लाह ने बनाया, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी भी जबान का टोक देता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, लोगों का मानना है, जैसे आपकी बेगम का ही मानना है कि 13 नंबर मनुष्य होता है। हम तो नहीं मानते। तो अब काली बिल्ली रोड क्रॉस कर गई है। हाँ, इस तरह के कुछ लोगों की सोच है, जिनका ईमान पक्का होता है ना, उनकी सोच ऐसी होती है। तो बेगम का ईमान पक्का काली बिल्ली आगे कह रहे हैं? नहीं, काली आप कह रहे हैं भाभी का ईमान पक्का नहीं, नहीं है। जैसे कि वो कहती है 13 नंबर मनुष्य है, जैसे अभी आपने बोला काली बिल्ली सामने से उतर गई, ईमान कच्चा होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, दफा करो, ठीक है जी। भाभी ने कहा कि 13 नंबर मनुष्य, और आप कह रहे हो ऐसे लोगों का ईमान पक्का नहीं होता। नहीं, भाभी का ईमान पक्का नहीं, वो तो नंबर पे आ गई ना। ये क्या बात हुई यार? तो ये तो नंबर है ना। अच्छा वाह वाह, बिल्ली तो मखलूक है। भाभी देखें, आप कह रहे हैं कि आपका ईमान कच्चा है, इन्होंने कहा है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा है कि आपका ईमान कच्चा है। तो आप बताइए कि आप 29 लाख रुपए की डील करेंगी या एक ऐसे शख्स से मशवरा लेना चाहेंगी जो शक करता है आपके ईमान पे? हाँ लेना चाहूंगी। लें? अच्छा फिर ले मशवरा, बताएं। खेलेंगे अपन, खेलेंगे आगे, खेलेंगे आगे, खेलेंगे खेलें भाई, नो डील करें।